कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं। याद रखें, कुरान पाक मुकम्मल शिफा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन असर खान है। सूरह रहमान का पैगाम 2006 में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और सैयद बाबा जी के फरमान के मुताबिक जब मैंने सुना, सूरह रहमान को सुनने के बाद जो मुझ में मस्बत चेंजेस आईं, वो चेंजेस, वो ज़िंदगी और उससे जो मेरी पहले की ज़िंदगी है, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का तकरीबन फ़र्क है। क्योंकि सूरह रहमान को सुनने से पहले मुझ में गुस्सा बहुत था, मुझ में नेगेटिव थिंकिंग का ग्राफ ज़्यादा था। सूरह अर-रहमान को सुनने के बाद जो मैं समझता हूँ मुझे जो रोशनी मिली है, उस रोशनी में जब चीज़ें मुझे नज़र आना शुरू हुई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझ में ये आवारिस मौजूद हैं और बड़ी तेज़ी से मेरी जो है इन मसाइल की तरफ निगाह चलती चली गई और मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के मोड में जाके आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है एलिमिनेट होनी शुरू हो गई। समात सूरे रहमान के हसीन पैगाम को गौर से सुने और सशक्ति इंसानियत की खिदमत करें। सूरे अर-रहमान सुने और इसे फैलाएं।